हेलो दोस्तों, द न्यू मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, अगर आपने हमारी शॉर्ट्स वाली वीडियो को देखा है तो आपको इसके बारे में जानना और भी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। ऐसे ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी टॉपिक पर बात करते हुए ऐसा लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं, कब और कहाँ, बस ये समझ नहीं आता है। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ याद नहीं आता तो शायद आप ये सोचते हैं कि ऐसा सपने में पहले देख चुके हैं, या जब कुछ याद नहीं आता तो इस बात को छोड़ देते हैं और आगे काम करने में लगने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि जब किसी नई जगह पहुँचते ही ऐसा लगता है कि आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। दोस्तों, इसी फीलिंग को कहते हैं देजा वू। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिनका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के अंदर ही दो फीलिंग्स और आती हैं, डेजा विजित यानी पहले भी देखी गई जगह और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। इन्हीं दोनों फीलिंग्स से बनती है डेजा वू की फीलिंग्स। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह गए ही नहीं और ना ही कभी वह घटना पहले हुई है, तो सोचने वाली बात है कि डेजा वू की फीलिंग आती कहाँ से है। दोस्तों, जरा सोचिए, दिमाग का ऐसा खेल जिसमें हम फ्यूचर के कुछ इवेंट देख पाएं या याद रख पाएं, तो क्या हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं? जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आगे जाकर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अभी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो इस फीलिंग पर कई इंडियन मूवीज़ बनी हुई हैं और इसको पुनर्जन्म से भी जोड़ा जाता है। क्या इसका कुछ कनेक्शन पुनर्जन्म से है? दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई इंडियन मूवीज़ में इसका प्रयोग बहुत ही बढ़िया तरीके से भी किया गया है। जब हीरो को एक जगह पहुंचकर बार बार कुछ याद आने लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार इसको सिद्ध किया है कि यह एक झूठ है। इसकी पूरी घटना का संबंध हमारे दिमाग के सोचने और याद रखने वाले हिस्से से है। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला हिस्सा इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, उस समय हमारे दिमाग या तो थका हुआ होता है या सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलती जुलती शब्दों या मिलती जुलती फीलिंग को अपनी पुरानी याद समझ लेते हैं, और ऐसे ही डेजा वू की फीलिंग हमारे दिमाग में आती है। दोस्तों, एक लंबे समय तक यह माना जाता था कि डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्से के काम पर निर्भर करता है, पर असलियत में हमारे दिमाग में बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा हुआ है जिसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट या रूम बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है और एक हिस्से में हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का हिसाब किताब रखता है। डेजा वू के केस में यह फीलिंग याददाश्त वाले हिस्से और दिन भर के कामों को संभाल कर रखने वाले हिस्से पर निर्भर करता है। हमारी यादें यानी हमारी पुरानी चीज़ें जो दिमाग की यादों वाले कंपार्टमेंट में जमा हैं, जब भी यादों वाला कंपार्टमेंट खुलता है तो ये सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती है जैसे सच में वो सब हो रहा है। कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमें सामने क्या चल रहा है वो भी नहीं दिखता। दोस्तों, अब इसे ध्यान से समझिए। दिमाग का वो हिस्सा जो अभी प्रेजेंट यानी वर्तमान में जी रहा है, वो और यादों वाला हिस्सा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए इन दोनों हिस्से के बीच में एक दरवाजा है। अगर प्रेजेंट वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला हिस्सा बंद रहेगा, अगर यादों वाला खुला है तो प्रेजेंट वाला बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुला हुआ हो और यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ, इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। इसलिए हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि इस जगह या इस घटना को हम अपनी यादों वाले रूम से निकाल रहे हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और जो अभी आपने पहली बार देखा है आप उसको पुरानी यादें समझ लेते हैं। फिजिकोलॉजिस्ट की माने तो अगर आपको डेजा वू की फीलिंग बार बार होती है तो ये एक सामान्य बात नहीं है। इस स्टेज में आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें किसी को हर घटना के साथ ऐसा लगने लगता है जैसे वो पहले भी घट चुकी हो, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। इस स्टेज में वो अपनी कल्पनाओं में फंस जाता है और जब भी प्रेजेंट में उसके साथ कोई घटना घटने लगती है तो उसकी कल्पनाएँ जिंदा हो जाती हैं।
ऐसा होना एक मानसिक बीमारी का संकेत होता है, जिसमें पेशेंट को फिजिकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक से जितना जल्दी हो मिलकर उपचार लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के अनुसार हमें इस तरह की फीलिंग होना ईश्वरीय संकेत है, जिसके जरिए वो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के खतरे या उनकी संभावनाओं के संकेत देते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनमें हमें अचानक ही कुछ ऐसा लगने लगता है कि ये पहले भी हो चुकी है, पर यह केवल हमारा भ्रम होता है। यह ऐसी घटना है जिसमें कुछ ही समय लगता है, इसका ना कोई आने का समय है और ना ही कोई जाने का। ये फीलिंग केवल कुछ ही समय के लिए होती है, जिसमें अक्सर हमें इसके बारे में कुछ याद ही नहीं रहता है। दोस्तों, इस संसार में कुछ चीज़ें या घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से समझाया नहीं जा सकता है। इस फीलिंग को वैज्ञानिक चाहे जितना भी अपनी तरीके से हमारे सामने रखें, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसके कई रहस्य आज भी हमारे लिए रहस्य हैं। डेजावू की फीलिंग, जिसे कुछ लोग पावर से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग पिछले जन्म की यादें बताते हैं, वहीं कुछ लोगों के अनुसार यह सिर्फ मानसिक बीमारी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द न्यू मिस्टीरियस। सब्सक्राइब बटन आपको हमारी वीडियो के नीचे रेड कलर में मिल जाएगा, उसे दबाकर रेड से ब्लैक कर दें और बगल के घंटे को दबाकर आल पर सेट कर दें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और जाते जाते शेयर कर दें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुने और अनसुलझे रहस्य से भरी वीडियो पर।